सो फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका हम इंतजार कर रहे थे, इस चीज को, यू नो, इस घटना को या इस इंसिडेंट को होने में 9 महीने लग गए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ, करीबन 9 महीने बाद हमारे पिछले रिएक्शन के बाद अब जाके ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च हुआ है, करीबन 7 दिन पहले। और उम्रो अय्यार, जी हाँ गाइस, एक ऐसी एक फिल्म है जिसके बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं, एंड स्पेशली हमारे कुछ ऐसे ऑडियंस है हमारे चैनल पे जो उम्रो अय्यार का जो टीजर था उसके ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन दिया था, और वहाँ पे काफी ज्यादा प्यार हमें मिला, प्यार मिला, उनका भी रिएक्शन हमने देखा, काफी कमेंट्स हमने देखे और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दिए। और मुझे इतना बढ़िया लगा कि पाकिस्तानी जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे ऑडियंसेस हैं, हमारे चाहने वाले हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं, इतना बढ़िया लगा मुझे कि आप लोग हमेशा किसी भी कॉन्टेंट के बारे में डिटेल में हमें उस चीज को बयां करते हैं। वी आर वेरी ऑब्लाइज्ड फॉर इट, थैंक यू सो मच कि आप अपना वक्त निकाल के उस कॉन्टेंट के बारे में हमें एजुकेट करते हैं, क्योंकि होता ही है गाइस, बहुत सारे ऐसे फिल्में हैं, कहानियां हैं। आप एक तो इंडिया के उस पार है, आप हमारे यू नो दोस्त है, तो आप उस तरफ से कोई भी अगर कंटेंट बन के आता है तो उसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता है। तो जरूर आपकी मदद की यू नो हम आशा करते हैं, तो हमें मिल जाती है वो हेल्प। एंड वी आर गोइंग टू फाइनली रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल 4K ट्रेलर फॉर उम्रो अय्यार अ न्यू बिगिनिंग। सो बिफोर वी गो अहेड एंड रिएक्ट, आप जरूर आइए हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल में आके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल में जाके ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रिएक्ट। कल तक मैं एक प्रोफेसर था, मैं जो कुछ जानता था साइंस से साबित कर सकता। हम यहाँ पे जिनों भूतों की कहानियां सुनने नहीं आते, तुम लोगों को फिला वजह का शौक है खौफ में रहने का। It's just a stupid fear of the unknown. मुझे पता था मैं जिंदगी से क्या चाहता हूँ, लेकिन अचानक wow. देखो जो लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, they were possessed. तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक आदमी है जो अपने जान लगने पे एक ताकतवर चीज को हासिल करना चाहता है। एक अय्यार का बंदोबस्त किया है, और अगर उसे कोई रोक सकता है तो तुम हो। वो लोग जिनों की ताकत से लड़ते हैं, अगर तुम मुझसे नहीं लड़ सकते तो उनसे क्या लड़ोगे? तुम कोई आम अय्यार नहीं हो अमर, तुम्हें वाकई मुझ पे माय शॉट। या मैंने आज तक किसी को इतनी तेजी से सूखते नहीं देखा। मेरे पास दो ताकत है जो आप में से किसी के पास नहीं। तो उनका जो कैरेक्टर, उनके पास कुछ कुछ स्पेशल एबिलिटीज है, एंड मोर सुपीरियर देन देम। कुछ स्पेशल इफेक्ट्स इसमें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दुश्मन से कह दो हमारे हम रोक के दिखा। वाओ, शॉट काफी अच्छा था। तैयार, वंडरफुल, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। न्यू बिग दिस इज आवर सीक्रेट। ईद उल अदहा। So guys, we reacted on the official trailer for Umro Ayyar New Beginning. So इसका ट्रेलर जो था बहुत ही बढ़िया तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है। जो भी हम लोगों ने as of now देखा है इसके ट्रेलर में,
बहुत ही उम्दा था. यस एंड हर एक चीज का एग्जीक्यूशन बहुत परफेक्ट लेवल पे किया गया है. एंड कोई भी चीजें यहाँ पे मैंने देखा कि गाइस ज्यादा एग्जैजरेटेड यहाँ पे नहीं की गई है. right. यहाँ पे VFX कहिए, कुछ कुछ फिल्में मैं ऐसी देखता हूँ या फिर हॉलीवुड कहिए या फिर किसी भी ऑडियंस इंडस्ट्री की कहिए कि वहाँ पे VFX को ज्यादा ही यूज होती है, ओवर यूटिलाइज होती है. पर यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगा, जहाँ पे जरूरत थी वहाँ पे दिखाया जा रहा है. बहुत बढ़िया ये लगा कि जितने भी VFX शॉट्स हमें देखे, CGI शॉट्स जितने भी हमें देखने को मिले हैं, ऐसा कभी नहीं लगा कि कलर ग्रेडियंट के से वो अलग हो रहे हैं. लगे वेल ऑर्गेनाइज ऐसा मैं कह सकता हूं. फ्रेमिंग उसका, व्हाट डू यू से, उसका जो फ्रेमिंग है उसको जिस तरीके से उसको मिक्स किया गया है एक्चुअल शॉट्स के साथ, सो दैट इट लुक्स एब्सोल्युटली रियल, इस चीज को इस फिल्म ने अचीव किया है बहुत ही बढ़िया तरीके से. एंड हमारा रिएक्शन सेम ही रहेगा गाइस, क्योंकि टीजर में जो हमने देखा था एंड ट्रेलर में हमने जो देखा यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर है. हमें कोई भी चीजें यहाँ पे अच्छी, मतलब ऐसी नहीं लगी कि यहाँ पे नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऐसी कोई बात ही नहीं है. क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट ही काफी नया है. हाँ, टीजर के दौरान हमने एक बात हमने कही थी कि यहाँ पे इंडिया एक फिल्म है ब्रह्मास्त्र, तो वहां पे भी इसका इस तरह से एक वाइब आता है. मैं यहाँ पे आपको कह देता हूँ कि मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ. हाँ, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की अगर उसके बारे में अगर बात करें तो वो इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर उस फिल्म को बनाया गया है. यस yes. लेकिन इंडियन स्क्रिप्चर्स के हिसाब से वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है या फिर उसे कोई रिलेवेंस नहीं है. ऑब्वियसली yes. ये एक फिल्म है एंटरटेनमेंट के लिए जो ब्रह्मास्त्र बनाई गया है. पर वहां पे भी इस तरह का ही उस फिल्म में क्या था कि एक कैरेक्टर ऐसा है जो जिसके जो अपने ताकतों से अनजान है, उनको रियलाइजेशन करवाया जाता है उनका. एंड देन द कैरेक्टर टर्न्स आउट टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रांग. यहाँ पे एक ऐसी टीम है जो उनको ढूंढती है, उनको मदद करती है, और इविल पावर है जिसके अगेंस्ट वो लड़ते हैं. तो यहाँ पे यही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे मुझे वाइब लगा. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरी तरह से वहाँ से इंस्पायर्ड है या फिर ली गई है, ऐसा कुछ नहीं है. right. इसका एक स्पेसिफिकली अलग से एक नॉवल है, नॉवल के ऊपर बेस्ड है. जी हाँ, ये एक बहुत पुरानी एक पर्शियन नॉवल है, उसके बारे में जरा सा हम बात कर ले. इस चीज yes. के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन yes. मिल जाए तो बढ़िया होगा. सो उमरो अय्यार बेसिकली एक उर्दू पर्शियन नॉवल है, हमजानामा जो एक नॉवल है जो बनाई गई थी, जो लिखी गई थी कई सालों पहले. तो उसी फिल्म पे या फिर उसी नॉवेल पे एक किरदार है जिसका नाम है उमरो अय्यार, जो एक चोर है और तिलिस्म ओ होशरुबा के जैसे एक बहुत फेमस किरदार है आमिर हमजा के बाद. तो आमिर हमजा भी एक किरदार है जो बेसिकली हमजा नामा में उनका जो बेसिकली उन्हीं के नाम के ऊपर है ये पूरा नॉवेल हमजा नामा. इट इज ऑन आमिर हमजा. Okay. तो उसमें भी ये एक फेमस कैरेक्टर है, तो उसके ऊपर बेस की गई है ये कहानी. yes. इस फिल्म के बारे में ये कह दूं कि इसको वंडरकॉन 2024 में इस फिल्म को प्रीमियर किया गया था. wow. जो मार्च के एंड तक जो वंडरकॉन चली थी कैलिफोर्निया में, तो इसको प्रोमोट वहां पे किया गया था, इसको वहां पे प्रीमियर किया गया था, और wow. बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला इस फिल्म का. और वो वाजिब है क्योंकि इसी बढ़िया तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है और ये एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही बढ़िया है. और ये जो इनिशिएटिव उन्होंने दिया है गाइस के वंडरकॉन या फिर कॉमिक कॉन इन सब जगहों पे इस फिल्म को भेजना, इस तरह के फिल्मों को भेजना, ये काफी सही एक क्या कह सकते हैं कि इनिशिएटिव लिया है, डिसीजन लिया है. क्योंकि आप अगर हम इंडियन फिल्म के बारे में भी बात करें तो कल की जो एक फिल्म आने वाली है प्रभास की, तो वो भी कॉमिक कॉन में पिछले साल उन्हें इस साल उन्हें भेजा गया था, पिछले साल उन्हें भेजा गया था कॉमिक कॉन में. तो ये अच्छा है ना, क्योंकि अगर आप एक सुपर हीरो एक्सपोजर मिले, एक्सपोजर मिलता है. कुछ कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो ग्लोबल स्टार बन चुके हैं पाकिस्तानी, ये भी बहुत सारे जितने एक्टर्स हैं, जैसे अगर हम कास्ट में इनके बारे में बात करें, फरहान ताहिर जी को हम लोगों ने आयरन मैन द फर्स्ट आयरन मैन फिल्म उसमें उनको हमने देखा था. एंड क्वाइट फेमस रोल उन्होंने किया था, क्वाइट फेमस, ही इज अ वेरी फेमस नेम. तो ये क्या होता है कि एक्सपोजर ऑलरेडी मिल चुका होता है. yes. और जैसे प्रभास के बारे में हम लोगों ने कहा कि कल्की का जब प्रमोशन हुआ तो ही इज ऑलरेडी अ ग्लोबल स्टार. तो क्या होता है कि अगर कॉमिक कॉन में जाएंगे तो एक वर्ल्ड ऑडियंस के सामने प्रमोशन होता है. यस, सो वी हैव सीन के कितना बड़ा एक्सपोजर मिला. मुझे लगता है कि कॉमिक कॉन, वर्ल्ड कॉन, ये सब जितने भी इवेंट है वो इन जैसे फिल्मों के लिए ही बनाई गई है. और दूसरे मेकर्स को भी एक बढ़ावा मिलता है कि हम भी करेंगे यार, या हमें भी अगर अच्छा काम है तो आप डेफिनेटली उसे प्रमोट करो, उसे जाके बताओ लोगों को, इंस्पिरेशन मिल जाना, इंस्पिरेशन मौका मिल जाता है ऐसे जगहों पे जाना, अपने फिल्म को प्रीमियर करना,
उसको प्रोमोट करना, ग्लोबल ऑडियंस से फीडबैक लेना, ये बहुत ही ज्यादा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो उन्होंने किया है प्रोडक्शन हाउस ने, वो काफी अच्छा किया है। तो इस फिल्म के कास्ट एंड क्रू के बारे में जरा सी बातें कर ले, राइट। तो काफी सारे लोग हैं इस फिल्म में। सो जैसे हम लोगों ने देखा इस फिल्म में उस्मान मुख्तार जी है, फरहान ताहिर, देन सनम सईद। सनम सईद इज क्वाइट अ फेमस नेम इन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, और वर्ल्ड में भी उनका काफी सारा नाम है। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं वो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अली काजमी, अदनान सिद्दीकी, सिमी रहेल, सना नवाज, मंजर सहबाई एंड मेनी मोर अदर एक्टर्स वर अलॉन्ग विद इट। हमसे अगर कोई और नेम मिस हो जाए जो हम बहुत एक्टर्स को नहीं जानते हैं तो माफी चाहते हैं गाइस, तो डू हेल्प अस, क्योंकि हम अभी भी उतने ज्यादा रूबरू नहीं है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। और एक चीज गाइस मैं आपको मैं कहना चाहता हूँ कि हमने जो इस फिल्म के जो फैंटेसी जो नॉवल है और जिसके बारे में उम्र यार के मामले हमने वहाँ पे डिपिक्ट किया, हमने बताया, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हमने यहाँ पे गलती कोई हिस्टोरिकल जो भी पॉइंट्स हमने बताए वो शायद वो गलत हो तो प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा गाइस। आप हमें रेक्टिफाई कर सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके हमारे हमने जो बताया, या फिर आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो उम्र यार के जो नॉवल है उसके बारे में, राइट। सो क्रू के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, सो दिस फिल्म हैज बीन डायरेक्टेड बाय असफर जफरी सर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है हुमा जमील बाबर। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट रिकी बटलैंड। बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया। एंड प्रोडक्शन डिजाइनर इज बाय पाओलो डी मायो। वेरी गुड जॉब। देन द एडिटिंग हैज बीन डन बाय मितेश सोनी। इस कहानी को लिखा गया है आतिफ रेहान सिद्दीकी सर के द्वारा, उन्होंने इस कहानी को लिखा है। एक्शन इज डन बाय इयान वैन टेम्पली, डेनी जॉर्डन एंड जड वाइल। काफी अच्छा था। इंटरनेशनल फाइटर्स जो है, जो स्टंट डायरेक्टर्स है, उनको लिया गया है। आई एम रियली ग्लैड अबाउट इट। यस, बहुत बढ़िया काम किया है आपने। एंड इस फिल्म के म्यूजिक में है अहमद अली। मुझे बीजीएम बहुत बढ़िया लगा, काफी अच्छा। बीजीएम का काम बहुत बढ़िया था। और एसएफएक्स के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे वीएफएक्स कंपनी के बारे में यहाँ पे जानना था। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई एम श्योर कि इसका क्रेडिट हमें वीआर चिली प्रोडक्शंस को देना चाहिए, द प्रोडक्शन हाउस। यू गाइस हैव डन अ वंडरफुल जॉब, वंडरफुल। बहुत बढ़िया एक फिल्म रिलीज हुई, आप लोग रिलीज कर रहे हैं, एंड आई रियली लव व्हाट आई हैव सीन। और हमारी यही आशा है कि फिल्म जो जिस सक्सेस के लिए इंतजार करी है उससे भी ज्यादा सक्सेस इस फिल्म को मिले। ये हर जगह पहुंचे यही हम दुआ करेंगे गाइस, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस तरह की फिल्में लोग बनाते रहे और इसे एक्सपोजर मिलती रहे। और मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये एक फिल्म नहीं, इसकी एक सीरीज निकले, क्योंकि मुझे लगता है कि इस फिल्म में बहुत दम है गाइस, और ये फिल्म अच्छी जगह परफॉर्म करेगी बॉक्स ऑफिस पे। यस गाइस, तो यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ उम्र अय्यार द न्यू बिगिनिंग। आपकी क्या राय है इस ट्रेलर के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए, ताकि जितने भी कॉन्टेंट हमसे अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। सोशल मीडिया के लिंक्स गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके हमें डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। एंड टिल देन रिएक्शन इज सेज, जय हिंद।